दूसरा हमारा जो इंतजार कर रहा है वो है ट्यूटोमर्स, ट्यूटो मैरिज ये होता क्या है पहले समझते हैं मेरे पास सबसे पहले ये जो वर्ड आया वो आया इस कंपाउंड को देख के ये मेरे पास क्या था एक कीटोन था एसीटोन इसका कॉमन नेम है और मुझे पता चला कि जब अगर मैं हंड्रेड मॉलिक्यूल इसके लेता हूँ शुरुआत में तो ले लिया मैंने थोड़ी देर वेट करा तो थोड़ी सी देर में मेरे को ये इनोल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है यानी थोड़ी देर बाद शुरुआत में ये जीरो हंड्रेड था अब ये क्या है सपोज नाइनटी नाइन ये है और ये कितना है वन परसेंट अपने आप कन्वर्ट हो गया या तो ये या मैंने सो ये ले लिए तो थोड़ी देर बाद अपने आप वन और ये 99 बन जाएंगे ऐसे यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं पाली चीज और जिस रेशियो में रहना होता है उस रेशियो में आ जाते हैं भले आप यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से करो तो वो ज्यादा रहेगा जिस जो ज्यादा स्टेबल है पहला आइडिया। दूसरा क्यों हो रहा है वो हमारे लिए है लेकिन इसका नाम क्या है ये तो है एक तरह से कीटोन और ये क्या है इन और ऑल तो मैंने इसका नाम दिया इनोल्स मेरे दिमाग में यह था कि ये एक दूसरे के फंक्शनल होने चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होते अगर आपने ये ले लिया सो तो वो आप दस साल भी रखे रहो सो के सो मॉलिक्यूल यही रहेंगे ये सो ले लिए तो अपने आप ये सो ही रहेंगे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आप ये लोगे तो भी उसी रेशो में चेंज हो जाएंगे जितना ये रहने पर यानी एक बोतल में आपने कीटोन ले लिया एक बोतल में आपने इनोल ले लिया थोड़ी देर बाद दोनों बोतल को देखा दोनों एक जैसा दिखेंगे यानी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है रूम टेम्परेचर पे तो इसका मतलब नॉर्मल फंक्शनल से ये अलग है फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते लेकिन ट्यूटोमर्स होते हैं क्यों होते हैं उसके पीछे मैकेनिज्म है लेकिन ये बात ध्यान रखना ये होते हैं तो इसका नाम हमने क्या रखा ट्यूटोमिज रख दिया डायनमिक रख दिया ठीक है ना किटोइनोल रख दिया तो ये तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं लेकिन मेन नाम जो इसका है वो है ट्यूटोमेरिस। तो आप इसको लिखो ट्यूटोमेरिस